हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस पेड एंड क्यूटी बिगेस्ट स्कैम, हियर इज ए प्रूफ। डिटेल वीडियो को आप लोग तक देखना, सब कुछ डिटेल बात करेंगे, ठीक है। एंड व्हेन टीचर्स विल स्टार्ट फ्री एंड क्यूटी हायरिंग फॉर 2019 टू 2025 बैच फॉर निंजा डिजिटल प्राइम लो, इसके बारे में बात करेंगे। एंड हाउ टू अप्लाई टीचर्स यूजिंग द एंड क्यूटी स्कोर कार्ड फॉर रिसीविंग डायरेक्ट टीचर्स निंजा डिजिटल और प्राइम रोल इंटरव्यू मेल। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल here you can see my screen. So if you have written your teacher's paid NQT in like किसी time भी आपने लिखा होगा, ठीक है। If you have written your teacher's NQT exam using 999 rupees or anything, if you paid anything for writing the teacher's NQT exam directly from teachers ion platform, it's mean you have given the paid NQT and teachers never hire through paid NQT. Clear? Okay, and what are the score you got, like 50%, 57%, 99%, 95%, whatever score you are getting in part A, part B, part C, foundation, then advanced, then programming score, whatever score you are getting, you are not supposed to receive any type of TCS interview mail after writing the TCS paid NQT. Correct? Got it? And let's suppose if you have written the free NQT, then teachers team will directly contact you for the directly interview mail. As you will know that recently mein kaafi logo ke smart aur ignite walon ka interview mail dekhne ko mil raha hai, 20 21 22 23 24 tak ye interview chalne wala hai PPS walon ka. Aur jo teachers BPS ke jo requirement hue the smart ignite walon ka, unka free NQT tha, unhone 1 rupaya pay nahi kara. करेक्ट, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो का, आप लोग इन तक देखना, वो फ्री एनक्यूटी था। तो टीचर्स फ्री एनक्यूटी से हायरिंग करती है जिसमें आपको कुछ पैसे देने का जरूरत नहीं है, उसमें आपको अप्लाइड फॉर ड्रैग ऑप्शन देखने को मिलता है, बट पेड एनक्यूटी में आपको अप्लाइड फॉर ड्रैग ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आप बोलोगे सर तो ऐसा टीचर्स आयोन क्यों लिखती है, टीचर्स हायरिंग कर रही है, बिकॉज दे आर पार्टनर विद टीचर्स। टीचर्स कभी भी हायरिंग करती है फ्री, तो टीचर्स आयोन को वो देती है पैसे, चार्ज करती है, मतलब टीचर्स आप लोग के लिए पैसे देती है टीचर्स आयोन को कि हम लोग का आप एग्जाम कंडक्ट करवाओ, बट टीचर्स आयोन के प्लेटफॉर्म पर एवरी मंथ वो एग्जाम चलता रहता है। और जब टीचर्स हायरिंग करवाती है तो वो फ्री होता है आप लोग के लिए, ठीक है, बट टीचर्स आयोन के प्लेटफॉर्म पर एवरी मंथ वो टेस्ट चलता रहता है, आप लोग चाहो तो टेस्ट दे सकते हो, बट ये सोच के नहीं कि टीचर्स में इंटरव्यू देना है, टीचर्स में जॉब लेना है। आप लोग टीचर्स के अलावा बहुत सारे वहाँ पर और जो भी जॉब लिस्टेड है आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट इफ यू आर राइटिंग द पेड एन क्यूटी देन डोंट थिंक दैट टीचर्स विल बी टीचर्स टीम विल सेंड यू एनी इंटरव्यू, बट बिकॉज टीचर्स हायरिंग के लिए कोई चार्ज नहीं करती है। और जो चार्जेस क्यों हो रहा है सर, बिकॉज टीचर्स आयोन का वो खुद का प्लेटफॉर्म है, खुद का वो हायरिंग का खुद का वो टेस्ट कंडक्ट कर रही है, दैट्स वाई। और जब टीचर्स हायरिंग करेगी फ्री एनक्यूटी तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, बस आपको अप्लाई फॉर ड्रैग ऑप्शन करना पड़ेगा, फिर आपको टीचर्स आयोन टीम आपको टेस्ट के मेल सेंड करेगी। गॉट इट? करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ये आपका फुल इन्फॉर्मेशन है। बट ये आपका कितना भी स्कोर हो मैटर नहीं करता, 92% हो 93% हो वो मैटर ही नहीं करता, आप लोग का टीचर्स का इंटरव्यू मेल देखने को नहीं मिलेगा इफ यू हैव रिटेन योर टीचर्स पेड एन क्यूटी। ओके, आप लोग फिर यहाँ पर जैसे 93% आया फिर भी इनके पास कोई भी इंटरव्यू मेल देखने को नहीं मिला है, गॉट इट, देखेंगे फिर यहाँ पर 66% फिर भी इनके पास देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आपका है सी, दिस इज द टीचर्स आयोन पेड एन क्यूटी, ठीक है। ये आपका फ्री एन क्यूटी, देखो टीचर्स का ऑफिशियल साइट है बीपीएस हायरिंग। आप देखो फ्री एन क्यूटी में होता क्या है, आपका डेट रजिस्ट्रेशन का इन डेट लिखा रहेगा, टेस्ट डेट लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिर देंगे, ये तो आपका अच्छा वो है, यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ, 25 बैच का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है। वेट, ओके सी, दिस इज फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स 2025 बैच वाले के लिए रिक्वायरमेंट, जो इसमें सब आपका रजिस्ट्रेशन का इन डेट लिखा रहेगा, टेस्ट डेट मेंशन किया रहेगा, रजिस्ट्रेशन ओपन लिखा रहेगा। और यहाँ पर आपको फिर देखोगे तो अप्लाई फॉर ड्रैप ऑफ ऑप्शन करना पड़ता है टीचर्स नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर। ये है आपका फ्री एनक्यूटी हायरिंग, इसमें आपको चार्ज देने का पैसे देने का जरूरत नहीं है, बट ये जो है आपका ये पेड एनक्यूटी है। देखो फिर इसका जो है लास्ट आपको अप्लाई बिफोर करना है 4 सितंबर, टेस्ट आपका होने वाला 16 सितंबर को। एक्सपोर्ट आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ पैसे चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज ये टीचर्स आयोन का खुद के साइट्स पर यह एग्जाम चल रहा है, ठीक है, बट ये फ्री एनक्यूटी है जहाँ पर टीचर्स के ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिलता है। तो इसका इसका कोई लिंकअप नहीं है हायरिंग को लेकर, बस टेस्ट पार्टनर है, टीचर्स का टेस्ट पार्टनर है टीचर्स आयोन, जो आपको टेस्ट मेल सेंड करती है, टीचर्स चार्ज पे करती है टीचर्स आयोन के प्लेटफॉर्म को टू कंडक्ट द टेस्ट, बट टीचर्स आयोन अपने प्लेटफॉर्म पर खुद से वो टेस्ट कंडक्ट करते रहती है एवरी मंथ, आप लोग चाहो दे सकते हो, बट टीचर्स हायरिंग तभी करेगी जब उनके ऑफिशियल साइट पर कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहे। ओके, तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। ओके, तो आपका स्कोर कार्ड है या नहीं है, फ्री एनक्यूटी का स्कोर कार्ड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड एनक्यूटी का स्कोर कार्ड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर्स कभी भी हायरिंग करती है तो लेटेस्ट एग्जाम देने के बाद ही वो कंडक्ट करती है इंटरव्यू। करेक्ट, ऐसा नहीं कि बीपीएस का आप लोग 2 साल का स्कोर कार्ड है तो फ्री एनक्यूटी के बाद भी आप लोग स्कोर कार्ड यूज कर सकते हो, नहीं, एवरी मंथ एवरी ईयर वट एवर टीचर्स यहाँ पर हायरिंग कर रही है तो आपको एग्जाम लेने के बाद ही इंटरव्यू मेल सेंड करेगी, ठीक है। पेड एनक्यूटी में 2 साल का स्कोर कार्ड का वैलिडिटी है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो भी जॉब्स है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें अप्लाई मत ही करना, पेड एनक्यूटी जिससे हायरिंग नहीं करती है, आप लोग बस फ्री एनक्यूटी का वेट करना। सर कब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीचर का फ्री एनक्यूटी हायरिंग, तो सितंबर अक्टूबर में आप लोग टीचर्स का फ्री हायरिंग का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, टीचर्स यहाँ पर आप लोग के लिए फिर से हायरिंग यहाँ पर
स्टार्ट करी, क्योंकि 2025 बैच का ऑलरेडी हायरिंग आ चुका है ऑन कैंपस वालों में, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। गॉट इट? सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। जब भी हायरिंग आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो पेड इक्विटी में मत अप्लाई करना, फ्री इक्विटी का वेट करना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं सो अपडेट में। आपका क्या राय है, आप लोगों ने कितने लोगों ने पेड इक्विटी दिया था, आपका क्या स्कोर था, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर देना।